नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को लगने वाले साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हां दोस्तों, साल 2023 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण सभी 12 राशियों पर किस प्रकार प्रभाव डालने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 20 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा। सभी 12 राशियां इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित होने वाली है। जी हां दोस्तों, 12 राशियों में से कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव रहेगा और कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर इस सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव रहेगा। इस वीडियो में हम आपको सभी 12 राशियों के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण सभी 12 राशियों पर अपना किस प्रकार प्रभाव डालने वाला है। साथ ही साथ 20 अप्रैल को लगने वाला साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, सूतक काल का सही समय, सूतक काल किस समय से किस समय तक रहेगा, सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी रहेगी, कितने समय तक रहेगी और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण विशेष जानकारी, क्या सावधानियां उनको रखनी है, क्या खाना चाहिए और साथ ही साथ कौन कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी संपूर्ण और सटीक जानकारी देने वाले हैं। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभकारी वीडियो साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। जी हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। साथ ही साथ चैनल पर जो नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहण को विशेष महत्व दिया गया है। धार्मिक रूप से सूर्य ग्रहण को शुभ घटना नहीं माना जाता, क्योंकि ये वो समय होता है जब सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और सूर्य ग्रस्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण की वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि विशेष धार्मिक मान्यता भी है। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाता है, जाए तो ये ग्रहण घर परिवार और व्यक्ति के स्वयं के जीवन को कुछ खास प्रभावित नहीं करता, लेकिन कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में ना रखा जाए तो मान्यता अनुसार ये व्यक्ति को नकारात्मक तौर से प्रभावित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को लगेगा और साथ ही साथ आपको बता दें साल का पहला सूर्य ग्रहण मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में घटित होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ज्योतिष कैलेंडर के अनुसार साल के पहले सूर्य ग्रहण की तारीख 20 अप्रैल है और ये सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल की सुबह 7:04 पर लगेगा और दोपहर यानी कि
20 अप्रैल की दोपहर 12:29 तक रहेगा। सूतक काल की बात करें तो दोस्तों इस ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होगा क्योंकि इस सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकता। ये उपछाया ग्रहण होगा और एशिया के कुछ देशों के साथ ये सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर और अटलांटिका आदि में दिखाई देगा। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है कि ग्रहण की विशेष मान्यता होती है। ग्रहण लगने पर प्रभाव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विभिन्न राशियों पर पड़ सकता है। साल के पहले सूर्य ग्रहण को भारत में नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन फिर भी ज्योतिष के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। दोस्तों साथ ही साथ ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें? ग्रहण के वक्त घर के अंदर ही रहना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, एकदम से जागते रहना चाहिए और सूर्य ग्रहण के दौरान प्रार्थना या महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु मंत्र और भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। हमेशा सूर्य ग्रहण से पहले और सूर्य ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण की किरणें घर के अंदर न जाएं, इसके लिए आप खिड़कियों को बंद कर दें या फिर मोटे पर्दे से ढकना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के दौरान आप क्या ना करें? सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन, खाना बनाना आदि का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप भोजन करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करें कि भोजन जो भी बनाएं खाएं उसमें आप एक तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दें, इसके बाद आप भोजन करें। ऐसा करने से सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकता है। साथ ही साथ नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जन्म दोष हो सकता है, शिशु पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। ध्यान रखें, नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, पिन, सुई, कैंची आदि का बिल्कुल भी भूलकर आप इस्तेमाल ना करें और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण को देखने से भी बचना चाहिए और घर के अंदर ही रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन बातों का गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, आप अब बात कर लेते हैं विस्तार पूर्वक सभी 12 राशियों के बारे में। ये सूर्य ग्रहण किन किन राशियों पर शुभ प्रभाव डालेगा और किन किन राशियों पर इसका अशुभ प्रभाव रहेगा? दोस्तों इन सभी 12 राशियों में से जो पहले राशि आती है वो राशि है मेष राशि। इन सभी राशियों में से जो पहले राशि आती है वो राशि है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों को बता दें कि इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर मिला जुला रहने वाला है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ आपको वाहन चलाते वक्त भी सावधानी रखनी होगी, दुर्घटना होने की संभावना है। साथ ही साथ आपको बीमारी से बचना होगा। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र पर सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ नौकरी के मार्ग में चल रहा है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको हर काम में सफलता प्राप्त हो सकती है, मनचाही नौकरी इनको प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपका हर प्रयास सफल साबित होगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही शुभ रहने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में लाभ होगा और नौकरी करते हैं तो आपको उन्नति मिलेगी, सामाजिक क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। साथ ही साथ जीवन के कई क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने के अवसर रहेंगे, आय में अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो वो सपना आपका
अवश्य पूरा होगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा साबित होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को बता दें कि सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और साथ ही साथ आपके अटके हुए सभी कार्य पूर्ण होने के संकेत दे रहे हैं। विवादों से आपको छुटकारा मिलेगा। घर परिवार में खुशियां होंगी। जीवन साथी के साथ प्रेम बढ़ेगा। साथ ही साथ आपकी नौकरी के क्षेत्र में जो प्रयास चल रहे हैं, नौकरी प्राप्त करने को लेकर वो प्रयास सफल होंगे। आपको मनचाही नौकरी प्राप्त होगी। वरिष्ठ लोगों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन भी संभावना भी दिखाई दे रही है। कहना गलत नहीं होगा, मिथुन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को बता दें कि सूर्य ग्रहण आपके लिए शुभ नहीं माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि वालों, आपको हर तरह से वाद विवाद से बचना होगा। बच्चों को लेकर आपको मन में तनाव रह सकता है। परिवार में कलह हो सकती है। सावधान रहें, अपनी वाणी को मधुर बनाए रखें, किसी से गलत ना बोलें, अन्यथा इसका गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मानसिक तनाव ज़्यादा रह सकता है। साथ ही साथ यदि वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी, अन्यथा आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बता दें कि सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको भूमि और भवन से जुड़े मामले सुलझाने के साथ ही आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेक संकेत हैं। आप नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग हैं। साथ ही साथ करियर में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वरिष्ठ लोगों से आपके संबंध अच्छे होंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपको अपने साथियों का सहयोग भी मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सावधान होने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी से संबंधित बहुत अच्छी बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, जिससे इनके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, कन्या राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए मिला जुला साबित होने वाला है। इस दौरान आप वाद विवाद से बचे रहें, सेहत का ध्यान रखें और मानसिक नियंत्रण आपको रखना होगा। साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन को बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। परंतु आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके करियर से संबंधित जो भी बाधाएं आ रही हैं वे बाधाएं दूर होंगी। आपको करियर में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में तरक्की के मार्ग उनकी नौकरी में तरक्की के मार्ग खुलेंगे। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए मिला जुला साबित होने वाला है।
दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। इस दौरान आपका मन अशांत रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपकी परेशानियां इस समय बढ़ सकती है। स्वास्थ्य आपको दिक्कत दे सकता है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें, आप जो भी अपूर्ण निर्णय लें सोच समझ कर लें, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली राशि जो है इस लिस्ट में वो है धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए शुभ नहीं है। आपकी भागदौड़ के साथ आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपको धन का नुकसान हो सकता है, इसलिए आप जो भी कार्य करें सोच समझ कर करें। साथ ही साथ खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार के चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिल सकता है और इनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो राशि है मकर राशि। दोस्तों मकर राशि वालों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, वेतन वृद्धि होगी। साथ ही साथ यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति होगी। हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपको संतान प्राप्ति का भी सुख मिल सकता है। करियर में आ रही हैं सभी बाधाएं दूर होंगी। साथ ही साथ आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस लिस्ट में जो अगली राशि है वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत शुभ फलदायी साबित होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके भूमि और भवन से जुड़े मामले सुलझाने के साथ साथ आपको भारी धन लाभ होगा। साथ ही साथ आपको संतान प्राप्ति का भी सुख मिलेगा। जो लोग व्यापारी हैं व्यापार में उनको लाभ ही लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मनचाहा रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको विजय प्राप्त होगी। कहना गलत नहीं होगा, कुंभ राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो आखिरी राशि है वो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को बता दें कि ये सूर्य ग्रहण आपके ऊपर बहुत ही शुभ प्रभाव डालने वाला है। नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे। साथ ही साथ घर और गाड़ी खरीदने के लिए भी आपके लिए प्रबल योग हैं। साथ ही साथ आपको इस दौरान अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना होगा, अन्यथा आपके घर परिवार में वाद विवाद होने की भी संभावना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अपने करियर में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे बाधाएं दूर होंगी। आपके करियर के रास्ते खुलेंगे, मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। ये सूर्य ग्रहण आपके लिए मीन राशि वालों अत्यंत लाभप्रद साबित होगा। आपको मनचाहा रोजगार भी प्राप्त होगा। दोस्तों कहना गलत नहीं होगा, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, सभी 12 राशियों में किन किन राशियों पर सूर्य ग्रहण का शुभ और किन किन राशियों पर इस वर्ष सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा, हमने आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताया है। यदि आप हमारी इस बताए वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव ज़रूर लिखें।